21 तारीख को पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। हिंदू समाज का अपमान नहीं करेंगे, समाज का अपमान मेरे अंदर की ज्वाला भड़क उठती है। सन 2010 में भी इन्होंने हाथ उठा करके कहा था कि फूंक डालो। पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान बरेली में हुई हिंसा के ठीक एक साल बाद एक बार फिर से झुमको के शहर बरेली को दहलाने की साजिश रची जा रही है। इस बार भी सावन से पहले आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा ने बरेली को आग में झोंकने का ऐलान कर दिया है। 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और उससे पहले 21 जुलाई को तौकीर रजा ने हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान कर दिया है। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह हो। अपने विवादित बयानों पर काबू न करने और दूसरों पर आरोप लगाने वाले तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन कर निकाह करवाया जाएगा। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा कर सामूहिक निकाह होगा। तौकीर रजा ने जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन भी मांगी है। 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। तौकीर रजा के इस ऐलान ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं योगी सरकार किसी भी कार्यक्रम के लिए इजाजत देने के मूड में नहीं है। बरेली पुलिस किसी भी सूरत में शहर या जिले की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है, बाद जांच व्याख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। केवल माहौल खराब करने की आदत है और जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं वो माहौल खराब करने के लिए लगे हुए हैं, उन पे उचित कार्रवाई वहाँ की प्रशासन करेगी, वहाँ की सरकार करेगी। 21 तारीख में अभी लंबा समय है और आज 16 तारीख है, 5 दिन में कुछ भी हो सकता है, तो हर हाल में कानून उस पे कार्रवाई करेगी और परमिशन मांगे, परमिशन को गवर्नमेंट देगी तब ना शादी करवाएंगे। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उन लोगों को ऐसे विचारधारा अगर जिसके पास है वो सीधे पाकिस्तान के रास्ता जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चला जाए। तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन का निकाह करने के ऐलान पर बरेली के हिंदू संगठन और हिंदू धर्म गुरु भड़क उठे हैं और मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान को शांति को भंग करने की वो एक साजिश बता रहे हैं। हिंदू संगठनों ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई करने और इस सामूहिक धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम को इजाजत नहीं देने की अपील की है। मेरे अंदर की ज्वाला
भड़क उठती है। इस तरह के बयानबाजी करके हमेशा तौकीर रजा जी ने इस बरेली को आग के हवाले किया है। सन 2010 में भी इन्होंने हाथ उठा करके कहा था कि फूंक डालो, और उस समय दुकानें जल गई थी। लगातार सांप्रदायिक दंगा कराने में इनका हाथ रहता है, लेकिन पता नहीं सरकारें इसके इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डालती हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इतनी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा दंगाई जो ऐलान करके चैलेंज कर रहा है शासन प्रशासन को और एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ये पुनः सावन के पवित्र माह में ऐसा घिनौनी बातें करके और दंगा भड़काने के प्रयास में लगा हुआ है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसे जेल में डाला जाए और पुराने केस इसकी जांच की जाए। ये निश्चित रूप से एक प्रकार से आतताई और आतंकवादी किससे कम नहीं निकलेगा। मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान, और वो भी इस समय जब सावन का पवित्र महीना आ रहा है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुद ही जास्ती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए। और 5 हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ये बड़ी घटना होने जा रही है। मेरी योगी आदित्य बाबा से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इसके ठिकानों की जांच कराकर, इसकी संपत्ति की जांच कराकर उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मौलाना तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट दूंगा। वही तौकीर रजा के ऐलान पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून को भी अपने मजहबी मानसिकता से चुनौती देने वाले इस नफरती नेता के जिहादी एजेंडे पर पूर्ण विराम जरूरी है। रजा यानी कहने को तो है मौलाना, काम इसका है भड़काना। अभी मानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया जिसमें साफ साफ कहा गया कि धर्मांतरण जो है उसकी हमारा संविधान कहीं अनुमति नहीं देता। यू कैन प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन बट कांट कन्वर्ट। ये जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी इस तरह के मौलाना जिस तरह से भड़काऊ काम कर रहे हैं, हिंदू समाज की जनभावनाओं को उद्विग्नित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून माननीय योगी जी की शासनकाल में सरकार ने लाया, उस कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि तौकीर रजा बरेली के एक मुस्लिम धर्मगुरु है, सुन्नी मुस्लिमों के बरेलवी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाले हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष का संबंध आला हजरत खानदान से है, जिन्होंने इस्लाम के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। एक धर्मगुरु होने के साथ ही उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। साल 2001 में तौकीर ने अपनी राजनीतिक पार्टी इत्तेहाद ए मिल्लत परिषद बनाई थी। उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2009 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने सपा को समर्थन दिया था, उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से जीत हासिल की थी। साल 2013 में सपा ने उनको हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद तौकीर रजा ने इस पद को वापस किया और सपा से भी वो अलग हो गए।